ओके 3XT पिकाचू यहाँ पर डेविल साहब के तोते उड़ा रहे हैं भैया, रोकी साहब को उन्होंने उड़ा दिया, डाउन कर दिया। वहां पर चले तो निंजा बिल्कुल ओपन में खड़े हैं, यहाँ पर मुश्किल में जा सकते हैं। निंजा ट्राई कर रहे हैं 3XT पिकाचू को उड़ाने की, एंड 3XT पिकाचू की बंदूक कुछ अरसे के लिए खोली थी यहाँ पर निंजा के ऊपर भी, लेकिन नो डाउट वहां पर कुछ काम खराब नहीं करने सके। डू वी नीड टू स्पैम एपीएल, जस्ट वंस, जस्ट वंस ब्रो, नो नीड टू स्पैम, जस्ट वंस। स्पैमिंग वगैरह करना चाहो, दिल कर रहा है तो कर लो, हम रोकेंगे नहीं आपको उससे, लेकिन फायदा उसका कोई नहीं है, आपकी एंट्री हो गई है अगर आपने एक बार हैश अपील टाइप कर दिया तो। भाई यहाँ पर अकेला 3XT पिकाचू नहीं भाई, रुकने का नाम नहीं रहा, प्लेयर पे प्लेयर गिराई जा रहा है डेवल की टीम के, भाई संभालो यहाँ पर, अगर 3XT पिकाचू निकाल गया चारों को तो ये तो फिर खतरनाक काम है। वो बेचारा खुद भी अकेला एक आया हुआ है, उसके खुद के पॉइंट्स भी नहीं यहाँ पर काउंट होंगे उसके मैच के, तो आप लोगों की टीम को एम ले डूबेगा फिर साथ में। ओ भाई नेट पे फेंक रहा है, नेट फेंक रहा है यहाँ पर 3XT पिकाचू की जानब से, लगा नहीं नेट यहाँ पर डेवल की टीम को, डेवल की टीम क्या करने वाले भैया, रिवाइव तो दे दिया अपने प्लेयर को उन्होंने भैया, अब जो है ना वो सीन खराब भी होने वाला है यहाँ पर टीम 3XT का, बिकॉज अब जवानों ने घेर लिया तीनों तरफ से। इसके बाद एक बार फिर से निंजा को गिराने में कामयाब हो गए 3XT यहाँ पर। ओ भाई दो निंजा जिन दोनों के स्लेयर वन वर्सेस वन हो चुका है यहाँ पर, 3XT जबरदस्त। आई एम मिसिंग यार पूरी टीम आती है, आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं पूरी टीम इनकी आ पाई, इनको इन टाइम तक पता ही नहीं लगा आईडी पासवर्ड का यहाँ क्या सीन था, हालांकि 15 मिनट पहले तक आईडी पासवर्ड शेयर हो गया होता है, लेकिन यहाँ पर चस्का कर गया। ओ जबरदस्त आला बनता है भाई, बनता है बच्चे के लिए, बच्चे ने जबरदस्त हिम्मत स्नो के ऊपर वन प्लेयर डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं टीम स्नो का। सेकंड स्नो भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर एम स्टेबल नहीं हो चुका हमारे पास, हमजा का और दानी साहब डाउन हो चुके हैं, मिनी चलाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर हमारे पास टीम ZLS, टीम 10 की तरफ चले तो टीम 10 के यहाँ पर ऑक्टोपस के विंग भी डाउन हो चुके हैं, रेड के ऊपर अटैक चालू किया हुआ है, रेड की तरफ से अटैक भरपूर दिया जा रहा है इनको भी, रेड को इतनी जल्दी आप नहीं भैया नाप सकोगे, कुछ ना कुछ तो होगा। रेड और राइन डाउन हो चुके हैं, इसके मुकाबले रेड की फाइट चल रही है ऑक्टोपस के साथ, रेड का एक और गया, मेरे जवाना खड़े हुए हैं, रेड के दो डाउन हो चुके हैं और मुश्किल में आती हुई रेड हर बढ़ते पल के साथ, तो क्या करेंगे मेरे जवाना यहाँ पर, फैसल साहब घूम के आ रहे हैं, फैसल साहब को डाउन करने में कामयाब हो पाएंगे क्या, और यार फैसल डाउन हो गया यहाँ पर ऑक्टोपस की टीम का, रेड के साइको खड़े हुए हैं, साइको भी डाउन हो चुके, मेरिजुआना तो खड़े हुए हैं सिर्फ, और भैया वो बदले में बदला गिराए तो जा रहे हैं, लेकिन मुश्किल है काफी ज्यादा, यहाँ पर जितना भी पोजीशन है वो नहीं बच पाएंगे, ज्यादा देर नहीं बच पाएंगे, यस एग्जैक्टली, कोशिश बढ़िया यहाँ पर, ट्राई बढ़िया रेड की टीम का, लेकिन इन्होंने परफॉर्मेंस किया, मेहनत किया, इन्होंने सोचा भाई क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया, सेमीफाइनल में पहुंच गया क्वार्टर फाइनल से, तो अभी जो हमने और मेहनत करनी है और फाइनल में भी जाना है, तो जबरदस्त हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 20 डाउन हो चुके हैं शैडो की टीम के जानब से, शैडो यहाँ पर भैया चलाते हुए ग्रोजा, लेकिन नहीं माइक की तरफ करें तो माइक का भी जस्ट एक ही बंदा बचा हुआ है, संभालना बचे हुए, मुश्किल है काफी ज्यादा माइक के लिए यहाँ पर क्रच कर पाना, बिकॉज उसके पास 20 पहुंच गए, स्कल पहुंच चुके थे, स्कल ने वाइप कर दिया। इसके साथ ही हमारे पास शैडो की टीम बची हुई है एंड एनिग्मा बचे हुए, एनिग्मा की तरफ करें तो पांडे ही एनिग्मा गॉड एंड पांडे और एनिग्मा ऑफिशियल से यहाँ पर हो चुके हैं 9 किल, जबरदस्त सीन चला रहे हैं एनिग्मा, आज तो मजा करा रही है एनिग्मा की टीम, और इसके साथ शैडो की टीम भी मजा करा रही है, नो डाउट शैडो भी सेम सिचुएशन है यहाँ पर, बढ़ते हुए फ्रंट लाइन संभाले हुए यहाँ पर फादी, और लेकिन सिचुएशन किसके हक में होगी किसके हक में नहीं होगी, यहाँ पर एक प्लेयर से डाउन कर दिया गया, सेकंड भी डाउन कर दिया गया, एंड आ चुकी है इस वक्त टीम शैडो मुश्किल में, यहाँ पर जोन आया खा गया बीस्ट को, और डेविल के अल्फा भी डाल चुके हैं, डेविल व्हाट आर यू डूइंग, पिछले मैच में 3XT पिकाचू ने उड़ा दिया पूरी डेविल की टीम को, पूरी लिटरली 1v4 की सिचुएशन में उड़ा दिया पूरी डेविल की टीम को, अभी गोस्ट के मर्द के साथ फटा किया, और यहां पर भी हालात डेविल के जो है वो मुझे खलबली सी मची नजर आ रही है उनके अंदर, और सिचुएशन उनकी नाजुक नजर आ रही है। लेट्स सी क्या करते हैं गोस्ट गेमर्स, पिछले मैच में कुछ बढ़िया नहीं कर पाई गोस्ट गेमर्स, स्टार्ट में ही कोई पर आउट हो गए, लेकिन लगता है उसका गुस्सा ही अगले दो मैच में निकालेंगे, और यहां पर टैक्चर हुआ हमजा के ऊपर, हमजा बढ़ते हुए जा रहे हैं, हाथ में उजी उठाए गोस्ट चुके हैं बिल्डिंग के अंदर, उनके साथ साथ उनको बैकअप देने के लिए असगर, और उनके साथ ही आ चुके हैं गोस्ट के आम भी, तो देखते हैं भैया डेविल की टीम यहां से क्या कमबैक कर पाती है, वहां से डेविल ने किया तो वन एच पॉइंट पे खड़े हुए यहां पर, जबरदस्त यहां पर डेविल निंजा ओपी ओपी सीन करके यहां पर भैया दो प्लेयर को आड़े हाथों लिया, एक एच पॉइंट के ऊपर किया, लेकिन अब यहां पर आम जा चुके हैं, मसला है उनके लिए ज्यादा, और डेविल के पास लेकिन आप इनको टैकल करने में कामयाब हो गए आप यहां पर भाई, और जबरदस्त यहां पर डेविल की टीम ने कमबैक किया, वैसा सीन नहीं मचने दिया, तो सेकंड कन्वर्ट होता जा रहा है पॉइंट्स के अंदर, जितने ज्यादा आपका स्ट्रीम पॉइंट्स उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, और यहां पर पहुंचे एनिग्मा फादी, डक को डाउन करने में हो चुके हैं कामयाब, डक को हेडशॉट दिया उन्होंने, M24 निकाल ली है यहां पर जे की, एंड वहां पर खड़े हैं बाकी, दादा साहब बढ़ो आगे, क्या कर रहे हो भाई, बच्चा गिरवा दिया, बच्चे की छतरोल करवा दी, तवा चाका लगवा दिया, अनिग्मा फ्रंट
लाइन पे पहुंच चुकी है। ओके यहाँ पर ये क्या करना चाह रहे हैं, पांडा साहब वहां से खड़े हुए हैं यहाँ पर बीचों बीच फंसाने की ट्राई। ओके एक और गया, खान वाईटी भी डाउन हो चुका है यहाँ पर रेड बुल के, और अनिग्मा टोटली माउंड ब्लोइंग। पिछला मैच भी उन्होंने विन कर लिया था, इस मैच में भी उनका जो गेम प्ले, उनके जो मूवमेंट, उनके जो हौसले और इरादे वो वैसे ही देख रहे हैं कि कुचल के रख देंगे, बच जाओ हमारे से, बल्कि बच्चे नहीं तो वो देंगे ही नहीं। यहाँ पर बीच बीच में जा रहे हैं, यहाँ पर मोली जबरदस्त हो गया, नजीब भी डाउन हो चुके हैं, यहाँ पर रेड बुल के लाला भी गए और रेड बुल वाइप। टोटली जबरदस्त गेम प्ले यहाँ पर अनिग्मा ऑफिशियल स्पोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज रेड भी मूव करी जा रही है, करती जा रही है, यहाँ पर रेड ने भी टोटली देख लिया और अवेंजर्स के नीचे पता लगा, यहाँ पर स्पाइडी डाउन कर दिया साइको ने, स्पाइडी गए टीम अवेंजर्स के पास, खुद सी एंड निंजा साहब बचे हुए हैं भैया, और देखते हैं रेड या अवेंजर्स कौन ले जाता है, खुद सी साहब ने बिल्कुल लेकर निंजा भी डाउन हो चुके हैं एंड मसला हो गया टीम अवेंजर्स स्पोर्ट्स के लिए। यहाँ पर काफी ज्यादा उनके पास बचा कौन है, खुद सी बचे हुए हैं यहाँ पर अकेले और चार के साथ फटा है, मुश्किल हो जाएगी। खुद सी ने वन डाउन किया, खुद सी ने टू डाउन किया, खुद सी कैन यू डू दिस क्या कर सकता है खुद सी, नहीं कर पाया, फोरिका एक प्लेयर डाउन हो जाएगा जो लीजन जा रहे हैं बिल्कुल, वो आई डोंट थिंक कि उनको कोई भी आइडिया है माई की टीम का कि ऊपर कहीं पर खड़े हुए, यहाँ पर शायद आइडिया हो गया यहाँ पर तो उल्टी पड़ गई, मैं लीजन को घुमा रहा था और लीजन ने वहां पर जाकर श्याम को डाउन कर दिया, तो वो भी जान अब जस्ट खड़े हुए हैं एंड आई डोंट नो व्हाई टीम 17 के दरमियान इतना गैप क्यों है भाई, क्यों वो दो उधर हैं, क्यों ये दो इधर हैं, क्या शो करना चाह रहे हैं माई की टीम यहाँ पर। भाई अगर कंपेटिटिव आप इतना खेल रहे हो तो इतना ज्यादा गैप अच्छा नहीं रहता, श्याम को रिवाइव मिल चुका है, फोरी ने बिल्कुल सीधा पुश नहीं किया वहां पर अबीता को, और इसके साथ ही 17 की टीम के वापस जो दो थे उनकी अभी भी मूवमेंट से मुझे ये नहीं लग रहा कि वो यहाँ पर आने वाले हैं, अभी भी स्टिल उनकी मूवमेंट से मुझे यही लग रहा है वो किसी और ही रूट पे जा रहे हैं और किसी और ही रूट पे जाएंगे। बढ़िया नेट यहाँ पर डाउन हो चुके हैं फिर से श्याम, और ओबीजान की तरफ पड़े तो ओबीजान भी डाउन हो चुके हैं, टीम 17 यहाँ पर दो प्लेयर को घुमाते हुए माइक टीम के दो प्लेयर आउट हो गए, टीम एसटी की तरफ आ चुकी है, यहाँ पर टीम हॉट भी है, यहाँ पर टीम फोरी ने एंट्री मार दिया, फोरी के साथ ही लड़ पड़ी है, हॉट के साथ अटैक चालू हो चुके हैं, डैमेज देना चालू हो चुका है यहाँ पर दोनों ही तरफ, आप बंदूकें चली लेकिन बंदा नहीं गिरा, अभी गिरा यहाँ पर काका रूट डाउन हो चुका है टीम हॉट की जानब से, और यहाँ से टीम फोरी की जानब से स्मैक गए, लीचन खड़े हैं, स्मोकर खड़े हैं और रिवाइव देना शुरू कर दिया, टीम एसटी बिल्कुल आगे आ ग्राउंड होगा इनके लिए, यहाँ पर एसटी के निशान पे बढ़ सकती है या नहीं, लेट्स सी क्या करते हैं, और यहाँ पर गिराने में कामयाब हो चुके हैं वो एसटी के, वन प्लेयर को होट को भी आगे आने का मौका मिल गया। एसटी क्या होल्ड कर रहे हो भाई, कुछ तो वहां से यहाँ से कुछ तो करो, यहाँ पर कौन डाउन हो गया, स्मोकर डाउन हो गया, फोरी भी एंट्री मार दी है और निग्मा भी अपना हिस्सा डालने के लिए एंटर हो चुके हैं यहाँ इस पार्ट के ऊपर, और लो जी मेरा मर खप चालू, अरिग्मा के चेक हेल्थ काफी डाउन है भैया, गॉड को वो पहले ही खो चुके हैं एंड देखते हैं यहाँ पर क्या सीन चलने वाला, हॉट ने अटैक चालू कर दिया यहाँ पर टीना सी के ऊपर एंड एसटी वाइप हो जाएगा यहाँ पर इजीली वाइप होने वाली है एसटी, हॉट के हाथों ही वाइप होगी मुझे लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर बढ़ते हुए गुकू जा रहे थे लेकिन वैशी अभी तक बचे हुए, एसटी कहीं ना कहीं तो निकली जाएगी भाई, जो वैशी है वो ज्यादा देर बचा के नहीं पहुंचने वाले, तो एसटी यहाँ पर गए खत्म, एसटी खत्म, होट ने यहाँ पर नेट चालू किया लेकिन भैया फोरी ने फाइनली फिनिश आउट कर दिया। नीचे की तरफ चले तो यहाँ पर आ चुकी है टीम स्नो एंड भाई टीम स्नो का डाउन है, सेमी साफ डाउन है, ऊपर निग्मा की तरफ पास चले तो फोरी की तरफ चलते हैं, फोरी का यहाँ पर निग्मा के ऊपर शॉट बन रहा हुआ किसी ना किसी वे से, किसी ना किसी एंगल से, बिकॉज उनके पास तो खड़ी हुई है बिल्कुल निग्मा, और ऑक्टोपस के ऊपर अटैक चालू किया उन्होंने निग्मा ने, ऑक्टोपस के दो प्लेयर डाउन हुए नजर आ रहे हमारे पास, यहाँ पर छोटा चतरी खड़े हुए हैं और फ्यूरी खड़े हुए यहाँ पर अनिग्मा जो ऑक्टोपस की जानब है, और अनिग्मा बीच में खड़ी हुई है, मुश्किल में भी आ सकती है, मुश्किल हो भी सकती है उनको, बिकॉज खबर इतना खास लग नहीं रहा, स्मोक अगर उनके पास खत्म हो गए तो फोरी भी ऊपर से अगर बल पड़ी ना इनके ऊपर तो मुश्किल हो जाएगी निग्मा के लिए, फिर नीचे से इनको हैंडल कर पाना, पीछे से टीम स्नो पुश कर रही है, टीम स्नो ज्यादा मुश्किल में आ रही है, पुश कम कर रही है, बार बार उनका प्लेयर कोई ना कोई डाउन हो रहा है, यहाँ पर हम चले तो ऑक्टोपस के प्लेयर्स को रिवाइव मिलना चालू हो चुका है, हॉट ऊपर से खड़ी है और वो भी ऑक्टोपस को टक्कर दे सकती है, और देखते हैं क्या बनता है यहां पर, अनिग्मा पांडे के टू जरार को गिराने में कामयाब हो चुके हैं, स्नो जैसे ही आगे आ रही है, स्नो को आगे नहीं आने दिया जा रहा भाई, स्नो को बार बार गिराया जा रहा है, फोरी स्मोकर डाउन कर दिया गया, होट शाय की जारब से और वहां पर होट फोरी के साथ भी, तो अब तो भैया हर कोई हर किसी के साथ लड़ेगा ही लड़ेगा, यहां पर नेडिंग कितनी नेडिंग है भाई अनिग्मा के पास, नेट पे नेड आ रहा है, बेचारे स्नो को रगड़ी जा रहे हैं टीम स्नो को, एक दो तीन डाउन हो रहे हैं उनके बार बार, मैच स्नो खड़े हैं, जोन ने पुश करना शुरू कर दिया, वाइप तो कतई नहीं मिलेगा यहां पर स्नो को एंड यहां पर स्नो वाइप कर दिया अनिग्मा की जान,
एडम से बढ़िया गेम प्ले निग्मा। और यहाँ पर निग्मा के पास 3 प्लेयर बच चुके हैं, जल्दी जल्दी हील करो फाती भाई, ऊपर जाना है, वहां पर 4 ही वाइप कर दी गई है होट की जानब से, एंड के साथ मेरे पास 3 टीम्स बच चुकी हैं। निग्मा ने ऊपर आना है, होट ऊपर ऑलरेडी खड़ी है, एंड होट यहाँ से हैंडल कर सकते हैं अगर ये ट्राई करें, और यहाँ पर नहीं ट्राई कर पाए और भैया गए, 2 डाउन हो चुके हैं, यहाँ पर 1 प्लेयर डाउन हो चुके हैं टीम निग्मा के भी, सेकंड भी डाउन हो पाएंगे नहीं, निग्मा टोटली माइंड ब्लोइंग गेम प्ले भैया, निग्मा नहीं छोड़ेगी, बच जाओ निग्मा के हाथों, कुछ तो भैया खाया है निग्मा ने, बैक टू बैक चिकन है ना, यस बैक टू बैक चिकन, फाइट यहीं पर लगता है सीन चालू होगा। यहाँ पर हाउट काका रूट पहुंचे हैं, निग्मा जे को डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं, एंड निग्मा जे को पूरी तरह से उन्होंने उड़ा भी दिया, फिनिश भी कर दिया, निग्मा गोल्ड को भी वाइप कर दिया, तो क्या यहाँ पर हॉट के सामने निग्मा नहीं टिक पाएगी, हालांकि पिछले मैच में भी हॉट के साथ हुआ मुकाबला, टॉप 3 के अंदर हमारे पास हॉट निग्मा एंड ऑक्टोपस थी, और हॉट को वाइप किया था निग्मा ने, और यहाँ पर लगता है हॉट अपना बदला पूरा करने वाली है सैनॉ के अंदर, यहाँ पर 1 प्लेयर 2 प्लेयर डाउन कर चुके हैं भैया वो निग्मा की टीम के, निग्मा की टीम के यहाँ पर पांडा खड़े हैं, डेवल चले फादी को डाउन कर दिया, और शायद निग्मा को लग गया किसी की नजर, यहाँ पर निग्मा चुके हैं मुश्किल, एंड निग्मा हैज बीन वाइप्ड, ओह भाई सेकंड नंबर पे आएगी उस टीम को मिलेंगे 3000 और जो थर्ड आएगी उसको मिलेंगे 5, तो होट ऑफिशियल यहाँ पर जबरदस्त सीन मचाते हुए भैया, और डेवल की टीम के प्लेयर को डाउन करने में हो चुके कामयाब, और अब कर दिया पोजीशन उन्होंने डेवल के ऊपर, बढ़ते हुए यहाँ पर फ्रंट फुट पे जा रहे हैं, कौन से प्लेयर होट की टीम के शायद जा रहे हैं भैया उड़ते उड़ाते, 2 प्लेयर डाउन है, इससे पहले के रिवाइव मिले वो पहुंच जाएंगे, मोली भी यहाँ पर गिरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर होट को किसी दूसरा रास्ता इख्तियार किया, तो क्या करने वाले हैं यहाँ पर टीम डेवल के साथ, टीम होट और पहुंची इसके साथ थर्ड भी डाउन, हो टीम डेवल आ गई मुश्किल में, टीम डेवल वाइट होट भैया चलती जा रही है, होट ने दूसरी टीम भी वाइप कर दी, यहां पर 1 प्लेयर डाउन हुआ पड़ा नजर आ रहा है खुद सी, और इसके साथ साथ रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं 4 के लेजन, फ्रंट फुट पे जाते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या वहां से जाकर टपका पाएंगे, और वहां पर हम चले बैक, तो होट की टीम भी 1 प्लेयर डाउन करने में कामयाब हो चुकी है, एक और और यहां पर भी एक और गया, तो दोनों तरफा इक्वली फाइट चल रही है, कौन सी दिखाएं यहां वाली वो वाली, तो यहाँ पर भैया 4 लीजन एक और प्लेयर डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं, निंजा को डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं, एवेंजर्स की टीम के पास 10 बचे हैं, यहाँ पर दो जवान 4 के स्मैक ऊपर से घूम के आ चुके हैं, रोटेट कर चुके हैं, यहाँ से हमारे पास लीजन खड़े हैं, वो खड़े हैं स्मोकर, तो बीच बीच फंसाने की कोशिश टीम एसटी के, यहाँ पर है 3 kills और उनका फटा टीम स्नो के साथ जिनका 0 kill है, सेमीज रोड डाउन हुए पड़े हैं, यहाँ पर हाइट की तरफ उन्होंने एंगल बनाना है, लेकिन मुश्किल हो सकती है, लेकिन मुश्किल है काफी ज्यादा, बिकॉज विक्टर स्नो की हेल्थ काफी कम है, और आई डोंट थिंक के स्नो यहां पर मेकअप कर पाएगी, लेकिन स्नो ने यहां पर कुछ ना कुछ किया था, यहां पर टीम एसटी के 3 घिरा दिए, होट ऑफिशियल जीएलएस के रस्ते हो चुके हैं, वहां पर जीएलएस के पास पहुंच चुकी है, एंड नाउ हाउ विल दे डू, ZLS Zen एंड उजैर भैया खड़े हैं यहां पर, होट को लेंगे यहां पर आ रहा, तो कुकू को डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं, यहां पर खुद जैन भी डाउन हो चुके हैं, होट के पास 2 प्लेयर खड़े हैं, उजैर वहां से अकेले ZLS के लगे पड़े हैं यहां पर फटा करने, और शायद यहां पर फ्रंट फुट पे जा रहे हैं उजैर के पास, जहां उजैर निकलेंगे क्या डाउन कर पाएंगे, यस उजैर कैन डाउन, ZLS के पास अभी भी मौका है, और अब मौका नहीं है, 4 जो है वो शैडो का पीछा छोड़ के वहां पर जा चुके हैं, इस वक्त गोस्ट लोगों की तरफ ऑक्टोपस लोगों की तरफ बढ़ गया, ऑक्टोपस ने यहां पर रिसीव किया और 4 के ऊपर अटैक चालू कर दिया है हमारे पास टीम ऑक्टोपस ने, ऑक्टोपस के विकी यहां पर लगे हुए M4 बाउंसिंग चल रही है भैया, और इसके साथ ही 4 स्पैक फ्यूरी को डाउन करने में चुके हैं कामयाब, ऑक्टोपस के फ्यूरी डाउन, तो 1 प्लेयर यहां पर ऑक्टोपस के पास बचा हुआ है, और जोन आने वाला है 10 सेकंड में, कवर वाइप करोगे भाई अपने प्लेयर को, गोस्ट की टीम ऊपर के जाना, तो यहां पर होट की टीम आउट हुई, और भाई एसटी की टीम अभी भी जामबाजी कर रही है भैया, जान तो लगा रही है एसटी की टीम, लेट्स सी क्या किस पोजीशन पे आ पाती है, इवन 2 टीम के बीच पिंच हुई थी, लेकिन स्टिल एसटी सर्वाइव कर रही है अभी तक, मुश्किल है बहुत ज्यादा, जोन पुश कर रहा है, गोस्ट के शैडो के दोनों के निशाने पे है, लेकिन बॉयज ने ट्राई बढ़िया की वहां पर, 4 ही भैया मूव कर चुकी है, यहां पर ऑक्टोपस के लगने वाले हैं जल्दी ही, ऑक्टोपस के लगे भैया, और किधर गया दूसरा जवान इनका, वो किधर भाग गया, ओके वाइप हो चुकी है 4 यहां से हमारे पास जो ऑक्टोपस की टीम थी, गोस्ट सामने खड़ी हुई है 4 के, एंड 4 वर्सेस गोस्ट, लेट्स सी What will happen now? 4 के लेजन यहाँ पर पहुंचे फ्रंट फुट पे, और इसके साथ ही लेजन को चिकन स्ट्रोल हुई, लेजन शायद डाउन करने में कामयाब होगा, स्मोकर ने डाउन कर दिया वहां पर शैडो के इनसेन को, और हमारे पास 2 टीम्स बचे, शैडो भी वाइप होगी, ओ भाई बातों बातों में शैडो गई, बातों बातों में यहां पर जाएगी गोस्ट भी, और 4 ले जाएगी मुकाबला, आला जबरदस्त।